नमस्कार क्या हाल चाल है सब ठीक हैं ठीक कहाँ हैं पर चलो अपना और अपने इनको ध्यान रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो आज बीएसपी के एक सांसद हैं रितेश पांडे अम्बेडकर नगर के सांसद हैं बीएसपी के और वो बीएसपी को छोड़ के और पांडे जी रंग बदल गए और बीजेपी में पहुंच गए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने उन्हें कर दि काम उनको गणित समझा दी होगा कछु या कोई दबी हुई होगी है सके कोई दबी हो और ज़्यादा दबा दी हो कि देखियो दर्द है रो ज़्यादा ना है रो या है सके महत्वाकांक्षा तो बहुत ज़्यादा हो दोबारा सांसद बनने की ज़्यादा अभिलाषा हो और ज़्यादा पक्की गारंटी हो हुँ? गलत फहमी तो है सके गलत फहमी तो काइए भी है सके हुँ? ये तो बाकी टेंशन है पर पांडे जी गए बहुत अच्छी बात है पांडे जी पांडे जी वैसे यहाँ कोई फायदा भी ना है जल्दी जितनी जल्दी कटें इतनी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन गए बसपा सुब्रम मायावती कल ली बहुत हिदायत दे रही जितने भी सांसद हैं कि भाई हमारी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है हमारी वैचारिक लड़ाई है लेकिन आप वैचारिक लड़ाई को कोई नहीं समझ रहा हो अब तो सिर्फ राजनीति को ही समझ रहे हैं कि हाँ कुर्सी प्यारी है कुर्सी ते चुपके रहो फिर आगे मिले ना मिले लेकिन कुर्सी ते चुपके रहो आप ज़्यादा उम्मीद होंगे कि लंगू लग रही है चार सौ बार की तरफ को तो वो चले गए पांडे जी हैं ना जाएंगे भी क्योंकि पांडे जी हैं चलो गए अच्छी बात है कटनी चाहिए जल्दी जल्दी सफाई होनी चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई भी अब चर्चा बहुत ज़्यादा जोरन पे हैं कई दिन से आप भी सुन रहे हो और हम भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो चर्चा चल रही है हमारा काम है उन्हें दिखानों हमने कायदे ऐसे तो है ना कि कायदे का जो ज़्यादा लंबी जोड़ी दुआ सलाम कर रही है मतलब ऐसी दुआ सलाम बा हमारा मतलब है ख़बर दिखाना समाज की ख़बर को दिखाना और समाज क्या चाह रहा है लोग क्या चाह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं वो सब चीज़ें आने की तरह आपके सामने साफ हों बिल्कुल चो गोदी मीडिया अपने हिसाब से गोदी में जाने ले रहा हो वाने रहा हो हाही तो कि गोदी वोदी में है ना हमारे तो बिल्कुल सीधो सिद्धांत है देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लेट बिल्कुल देसी अंदाज में जो जैसो रो ऐसो अब पांडे जी चले गए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिल्कुल टनाटन सड़क पर दिख रही है पब्लिक खूब अच्छी खासी आ रही है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और छोटे नेता और सब की एक इच्छा है क्या है वो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानो क्या इच्छा है उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कैसे बी एस पी सुप्रीमो मायावती मान जा और वो कैसे भी गठबंधन में शामिल है जहाँ तो बस फिर तो अंदाज लगाना ही बेकार है कि क्या स्थिति होगी एक तरफा एक तरफा एक तरफा जीत और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कि बहुजन समाज तो हर जगह है और बिल्कुल टकटक टक ही लगाए बैठो कि कैसे ही कोई ऐसी किरण उम्मीद की किरण बागु नजर आवे कि जाते वो अपने फैसले पे मजबूती के साथ टिक जा उम्मीद तो लगातार है ही है बहुजन समाज को उम्मीद तो है ही भाई उम्मीद पे ही तो टिको हुए बहुजन समाज पर और क्या है और वो उम्मीद कहाँ लगाए बैठो है बसपा सुप्रीम मायावती पे उम्मीद लगाए बैठो अब जैसे उनको आदेश होगो, उन्हें तो माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए लेकिन मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें लिख के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर धुआँ ना होगो, अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी है एक कहावत है तो कहीं ना कहीं बात तो चल ही रही है कू ना जो हालांकि स्पष्ट तौर पे उन्होंने जो माने कर दिए कि कहीं भी गठबंधन में हिस्सा नहीं लेंगी तो गठबंधन में हिस्सा ना लेनो तो एक अगर कई अनजान आदमी ते भी पूछोगे तो वो भी ये कहोगे कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात ना लेकिन यह बात को हम न्यों के जी हमें समझदारी की बात ना तो भाई जो चार चार बार पांच पांच बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह ली तो उन्हें कोई ज्ञान देने की तो ज़रूरत है ना कहीं को कछू ना कछु ज्ञान तो कछू ना कछू का पूरा ज्ञान होगा हर तरीके को ऊँच नीच को हर चीज़ को ज्ञान हो कछुना कचु ना सोच रहा कि होगी समझ रहा की होगी कि भाई क्या करना एन मोमेंट पे कचू करना हो एन टाइम पे क्यूँ करना या बिल्कुल नहीं करना हो गई दृढ़ फैसला तो ये तो लास्ट डिसीजन उनको है लेकिन सूत्रन के हवाले थे या जितने भी सम, समाज को चिंतन करने वाले लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं आस लगा क्यास क्या लगा में क्यास गई लगावे कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल है जहाँ तो एक तरफ आप समझ लो बीस परसेंट वोट एक तरफ एक मुश्त तो पड़ेंगी और एक मुश्त तो अगर वोट पड़ेंगी तो ये एन डी ए पे एन डी ए कहीं दिखाई दे रो कहीं कोई दिखाई ना दे दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई ना दे हालांकि सब राजनीति कर रहे हैं अपने अपने फ़ायदे नुकसान को सब समझ रहे हैं कि कहाँ कौन को फ़ायदे है कहाँ कौन को नुकसान है लेकिन एक बात मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ज्यादा न्याय यात्रा पर लिखड़े हुए हैं और जाय हिसाब से वो सौ साल बाद जब बात को कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए 85 परसेंट जो आबादी है उनको उनको हिस्सा मिलना चाहिए जिस पहली बार आपको ये बात कांग्रेस की सबसे बड़ी हाई लेवल के जो नेता हैं उनके मुखार बिन्ती की बात आप सुननी होगी एक नई बात है और ये एक नई राजनीति की तरफ इशारों कर रहा पहले कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी दलित शोषित वंचित इनकी बात कर लो राजनीतिक बिल्कुल राजनीतिक पलट है जो पहले राजनीति में आपको देखने को मिल रो हो अब कांग्रेस में बिल्कुल बातें उलट ही देखने को की बात मिल रही है सारी की सारी आज राहुल गांधी की यात्रा अलीगढ़ पहुंची है अलीगढ़ से आगरा पहुंची है और आगरा पहुंचने पे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो भी चूँकि वो इंडिया गठबंधन को हिस्सा हैं और सत्रह सीट जो है कांग्रेस को मिली है बाकी अखिलेश यादव पे हैं और जो दल वहाँ में शामिल होंगे जब बंटवारा होगा लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि सत्रह जो सीट हैं वो कांग्रेस पे हैं और अखिलेश यादव आगरा पहुँचे हैं और आगरा पहुँचने के बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और अच्छा खासो भीड़ को हिसाब किताब हो भीड़ तो घर है ही जा भाई समाजवादी पार्टी में भी लोग तो हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं तो जब दोनों पार्टीन के लोग अगर मिलेंगे एक जगह होंगे तो भीड़ तो स्वाभाविक है उनगे कहीं ना कहीं युवान में आक्रोश है तो जा हिसाब से पेपर लीक हुआ है और सरकार की डबल इंजन सरकार की थूथू है रही है वह हिसाब तो युवान में भी आक्रोश है और युवा भी क्योंकि युवान को भी नेतृत्व चाहिए अगर युवान को नेतृत्व अब तो यह टाइम पर सही मिल जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलन को वोटन को भी फायदा होना निश्चित है आप यह बारे में क्या सोच रहे हो आपको क्या मानना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो और जाए साहब थे राहुल गांधी पिछले डेढ़ दो साल से न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जगह 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 चार हज़ार किलोमीटर पहले चल रही है और अब लगातार चल रहे और इंडिया गठबंधन जो एक बार ऐसे लग रहा हो कि बिल्कुल टूट गो फूट गो बिखर गो अब कहीं ना कहीं को दोबारा सद तो हुआ नज़र आ रो है और मीडिया के माध्यम से जो चीज़ लिखड़ के आ रही है कांग्रेस की लीडरशिप के हिसाब से जो चीज़ लिखड़ के आ रही है कि बसपा सुप्रीम मायावती भी गठबंधन को हिस्सा बन सके हैं यह चीज़ को आप कैसे लहो आप यह बारे में क्या सोचो हो क्या बसपा सुप्रीम मायावती को गठबंधन में शामिल होना चाहिए या ना होना चाहिए बहुजन समाज को क्या कहना है वो उनकी दिल की इच्छा क्या है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो और एक हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है आजकल व्हाट्सअप पे भी चैनल बन रहे हैं तो हमने भी बना ली हो अगर टाइम हो तो वह भी ज्वाइन कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी फिर जल्दी आपकी तो गुफ्तु होती रहेगी नई वीडियो में और कई मुद्दा पे काय मिलेंगे कई मुद्दा पे मिलेंगे हम पर और कोई मुद्दा ही ना आए चूँकि कोई गोदी मीडिया तो है नहीं हम पे तो इतना से जुगाड़ है और आप सब लोग हमारी दौलत तो सब आप हो बस सिर्फ आप और गई दौलत चाहिए हमें ना चाहिए और कछू जो बेबाकी तो जब ही कह सकें बिल्कुल देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट जब कछु ना होगो कछु हैगो है गो तो फिर तो बहुत सोचनी पड़ेगी हम चलो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार